भाग तो बन गए विजय, अब और कितनी सत्ता चाहिए तुम्हें? पहले बताने से तुम्हें अपने भैया का नाम सिर्फ सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए चाहिए था, तो इतनी उम्मीद ही नहीं रखती मैं तुमसे। आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? भरोसा था, लेकिन तुमने अपने भैया को न्याय दिलाया? विजय, विधायक जी, अगर आप पुराना माने तो एक बात कहें, हम एक बार अंगद की तरह क्यों नहीं सोचते? हमें तो बस प्रभात भैया के लिए न्याय चाहिए है ना, भले ही वो मदद हमें मुख्यमंत्री जी से ही क्यों ना मिले। उनसे हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा बुलबुल। लेकिन क्यों? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है। बात करो बुलबुल, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैं माफ कर दीजिए, शायद हम कुछ ज्यादा ही बोल। नहीं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए, बिना बात के तुम पे चिल्ला दिया। हमारी बात ध्यान से सुनो बुलबुल, प्रभात भैया के खून के पीछे पंकज चौधरी का हाथ है, और पंकज चौधरी के सर पे बाबा का हाथ है। प्रभात भैया की मौत के बाद पंकज चौधरी हमारे घर पे आया था और सबको धमकी देकर गया है। ये बात अंगद, भाभी सब लोग जानते हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हम पंकज चौधरी से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि हम अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये सारी बातें भूल कर हमारा परिवार बाबा से मदद की उम्मीद कर भी कैसे सकता है? क्या? लेकिन विधायक जी, अगर मुख्यमंत्री जी पंकज चौधरी को शह दे रहे हैं, तो फिर वो भैया का केस आगे ही क्यों बढ़ाएंगे? तो ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अगर केस खुलेगा तो पंकज चौधरी फंसेगा, और पंकज चौधरी फंसेगा तो बाबा की कुर्सी दांव पर लगेगी, और बाबा अपनी कुर्सी को बहुत प्यार करते हैं, अपने सगों से भी ज्यादा, तो जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बात कुछ और है बुलबुल, वो जानबूझकर इस केस को फंसाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाबा ने प्रभात भैया का केस नहीं खोला है, बल्कि एक खतरनाक राजनीतिक चाल चली है, जिस बात का हमें डर था शायद वही हो रहा है। हमारे बिखरे हुए परिवार को मोहरा बनाया जा रहा है, और हमें डर है इस खेल में हम अपना सब कुछ ना हार जाएं। भाभी, आप विजय को गलत मत समझिए, वो थोड़ा पगला गया है। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद हर आदमी पगला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है गायत्री, शादी के बाद तो लोग ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं। जो काम आज भाभी ने किया, वो काम बहुत पहले विजय वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पर रेशम जी, विजय भी तो अपने तरीके से भैया को न्याय दिलाने की कोशिश कर ही रहा है ना। समझदार हैं, इसीलिए न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भेजवाओं को नमक खा रहा है, इसलिए उनके बारे में कुछ गलत बोल के नमक खराब ही नहीं करेंगे। लेकिन साधना भाभी ने बिल्कुल सही कहा, प्रभात भैया के साथ जो अन्याय हुआ है, लोगों में उसके प्रति जो सहानुभूति है, बस उसका लाभ लेकर भेजा बाबू वोट बटोरना चाहते हैं। रेशम जी, आप मेरे भाई पे ना उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाइए। अरे हम कुछ गलत बोलते हैं तो साधना भाभी चुप बैठती क्या? बेटे की तरफ आया हो ना विजय बाबू को, और तुमसे ज्यादा जानती हैं, और वो ये भी जानती है कि हम सच कह रहे हैं। आजकल विजय बाबू की दुनिया बुलबुल भाभी से शुरू होती है, और बुलबुल भाभी से खत्म हो जाती है। अरे उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इस घर में किस पर क्या गुजर रही है। प्रभात भैया की बरसी आई, एक साल हुआ था, शादी भूल गए, तो तुम न्याय दिलाने की बात करती हो,
अभी आप तो दवा खाइए, अपना ख्याल रखिए और अपना मन छोटा मत कीजिए। विजय बाबू को इस परिवार की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, हम आपके साथ हैं। ये बात, ये केस मंदरा जी ने जरूर विजय बाबू को फंसाने के लिए खुलवाया होगा। आग तो उन्होंने लगा दी है, हमें तो बस आग में घी डालना है। स्वाहा। हम अनंत को कैसे बताएं कि मंदरा प्रभात भैया के केस को लेकर भाभी की मदद कर रही है। अभी तो हम दोनों के बीच में हालात ठीक हुए हैं, अगर हमने अभी उसे बता दिया कहीं हम दोनों के बीच में दोबारा गलतफहमी ना हो जाए। और वैसे भी ये भाभी का फैसला है, मंदरा का नहीं। विजय, हम सोच रहे कि इस बार नवरात्रि के हवन में तुम और भाभी दोनों बैठो। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वो प्रभात भैया के केस को लेकर थोड़े परेशान हैं। अब क्यों परेशान हो, केस तो खुल चुका है। हाँ भाई, तो उसी बात को लेकर भाभी हमसे नाराज है। क्या तुम कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, यही सब। जो भी हो रहा है, ये दर्द तुमने अपनी जिंदगी में खुद पाला है। मुझे तुमने हमें चोट पहुंचाई, हम तुम्हें चोट पहुंचाते रहेंगे। क्या कर रही हो? ये क्या है? मंदरा जी, हमारे गांव में जब बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं ना, तो उनके शुभ चिंतक उन्हें काले धागे में पारस पत्थर बांधकर पहनाते हैं, इस उम्मीद से कि वो सही रास्ते पर आ जाए। आप ही इसे पहन लीजिए, भगवान जी आपको सद्बुद्धि देंगे। हमने सुना कि तुम साधना भाभी को भी कोई धागा पहनाने वाली थी। आई मीन, क्या बुलबुल, तुम आज भी ऐसे अंधविश्वास पर यकीन रखती हो? आ गई सद्बुद्धि। मंदरा जी, आपने सिर्फ धागा नहीं फेंका, बल्कि अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाने की आखिरी उम्मीद फेंक दी। वैसे सही कहा आपने, ये हमारा अंधविश्वास ही तो है जो हम आपके सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आपने हमारे परिवार की तरफ एक भी गलत कदम उठाया तो हम आप तुम क्या करोगी? धमकी दे रही हो कि तुम ये करोगी वो करोगी। वैसे कर तो तुम कुछ नहीं पाओगी, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर चल कह रहा है। लेकिन हाँ, बोलकर अपनी भड़ास जरूर निकाल सकती हो। चलो जल्दी धमकी दो, हमें पार्लर जाने में देरी हो रही है। वो क्या है ना, शादी के बाद हम और अनंत जी आज अपनी पहली रात मना रहे हैं। जी, वो हम ये कहने आए थे कि अगर आप हमारे घरेलू मामलों में दखल देंगी तो हम भी आपके घरेलू मामलों में दखल देंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो आपके और अनंत जी के रिश्ते में क्या फर्क पड़ेगा ये आप जानती हैं। हम अभी जाकर अनंत जी को बता देते हैं कि आप साधना भाभी को लेकर पापा के पास गए थे, यही ना? हम आनंद जी को ये बात पहले ही बता चुके हैं। बुलबुल, क्या आनंद जी मंदरा जी के साथ मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं?
लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें बताना है तो जाओ बताओ। क्या हुआ? तुम तो हमें धमकी देने आई थी ना, तो तुम खुद क्यों इतना डर गई? ओ, तुम्हारा प्लान काम नहीं किया इसीलिए। अब हमें पार्लर जाने के लिए देरी हो रही है, हम जा रहे हैं। वैसे हमें लगता है कि इस धागे की जरूरत हमसे ज्यादा तुम्हें है, तुम ही रख लो, शायद सद्बुद्धि आ जाए। रहने दीजिए, बड़ी मुश्किल से भाभी की आंख लगी। तुम देख रही हो भाभी नींद में भी कितनी परेशान लग रही है। जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं अभी चलिए यहां से, अभी जाग गई तो फिर पूरी रात सो नहीं पाएंगे। हमने कहा था ना, हमारी पहली रात बहुत खास होगी, ये सिर्फ शुरुआत है। प्रभात भैया के केस की फाइल खुलवाकर तुमने हमें एक तोहफा दिया, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा। हम बहुत खुश हैं, शादी के बाद हम बस रूम पार्टनर्स थे, सही मायने में पति पत्नी हम आज होंगे, तुम्हारी मर्जी के साथ। तुम भी यही चाहती थी ना? जी अनंत जी, हम भी अपने अतीत को पूरी तरह से भुलाकर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। मंदिरा, इसकी शुरुआत तो तुमने तब कर दी थी जब तुमने खुद हमें यह बताया कि साधना भाभी को लेकर तुम अपने पापा के घर गई थी। दोबारा हमसे झूठ कभी मत कहना, ठीक है? आज रात के बाद हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। Ta-da-da-da-da.
अनंत जी एक मिनट रुक जाइए, हमें समझाने का मौका दीजिए। अनंत जी ये टैटू हमने तब बनवाया था जब विजय हमारी जिंदगी में था, लेकिन अब इसकी कोई मायने नहीं हमारे लिए। अनंत जी, हम सच में इस रिश्ते में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज रुक जाइए, हमारी बात समझिए अनंत जी, प्लीज। सॉरी अनंत जी, हमारी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह है ही नहीं, इसीलिए तो हमने खुद अपने शरीर पर विजय के नाम का नकली टैटू बनवाया, ताकि हमारे बीच में ये दूरी हमेशा बनी रहे। हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ विजय है, और हम आज भी दिल से विजय को ही अपना पति मानते हैं, आपको नहीं। मैं हूं साधना प्रभात, एक साल हो गया है मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, तुम्हें ही मुझे मुक्ति दिलानी होगी साधना। साधना प्रभात जी, प्रभात जी, मैं इस बार आपको नहीं जाने दूंगी, प्रभात जी। दरवाजे की आवाज, इस वक्त कौन हो सकता है? हेलो प्रभात जी, आप क्यों चले गए? मुझे आपसे बात करनी है, आपको पता ना? मैं जानता था साधना, सिर्फ तुम ये कर सकती हो, विजय कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये केस खुलवा के तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है। एक साल से तड़प रहा था इसके लिए। दरवाजा तो बंद है, अरे लेकिन हमें पूरा यकीन है, हमने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। एक बार बाहर चल के देख लेते ना विधायक जी।